गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अगर आप CUET का फॉर्म दोबारा से भरने जा रहे हो या एडिट कर रहे हो, दो बातों का ध्यान रखेंगे कि बॉस जिसने GT का फॉर्म नहीं भरा है, GT ऐड नहीं किया अपने फॉर्म में, तो पहली बात तुम GT ऐड कर लो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए कंपलसरी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन BHU के लिए वो कंपलसरी है, तो तुमको GT भरना ही भरना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम सब्जेक्ट्स वही सेलेक्ट करना जो क्लास 12th में तुमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। भाई अगर तुमने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज पढ़ा है तो तुम यही चूज करो। तुम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री मत चूज करने लगना, ये दिमाग में बैठा लो। अगर तुमने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है जो तुमने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है तो आपका कैंडिडेचर सेलेक्ट नहीं होगा, आप वहां से रिजेक्ट कर दिए जाओगे जब भी आप ये सोच रहे हो। तो पहले तो ये चेंज कर लो, जो 12वीं में पढ़े हो बेटा वही तुमको फॉर्म में भरना है। इंग्लिश की जगह अगर आपने तुमने हिंदी सेलेक्ट कर रखा है, इट्स ओके। मेरा सजेशन यही रहता कि आप इंग्लिश सेलेक्ट करो, बिकॉज़ मेजॉरिटी बच्चों ने इंग्लिश पढ़ रखा है क्लास 12th के अंदर। GT सेलेक्ट करना मत भूलना, GT देना ही देना है पेपर। और एक बात, ऐसा नहीं है कि आप जज किए जाओगे और आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने ज्यादा कॉम्बिनेशन भर दिए हैं, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया जा रहा होगा। अगर तुमने फिजिकल एजुकेशन ली है 12th में तो फिजिकल एजुकेशन भी भरो, इररिस्पेक्टिव तुम्हारी तैयारी हो रखी है नहीं हो रखी है, हमेशा बेस्ट कॉम्बिनेशन ही चूज किया जाएगा। तो फॉर्म भरो, एडिट करो, कल रात तक का हमारे पास समय है, और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे कोई प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मैं ये बताऊंगा कि कौन सा कोर्स एकदम नया है जो हर बच्चे को भरना चाहिए अगर उसने मैथमेटिक्स ले रखी है क्लास 12th के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, दिस इज शुभम जगदीश, बाय बाय।